बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज नंबर 2.8 है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.8। क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम के हैं, लेकिन बहुत इजी हैं, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द एरिया ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। किसी स्क्वायर, कोई स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया हमारे पास गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमने इसके साइड की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर की हमने लेंथ साइड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा है सिंस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज़ द सेम, लेंथ और विड्थ किसी भी स्केयर की इक्वल होती हैं। कैसे इक्वल होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपने स्केयर, आपने ये 7th क्लास में पहले पढ़ा है। स्केयर क्या होता है हमारे पास, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हमारे पास एक स्केयर है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये है, उसकी लेंथ हमारे पास गिवन है, सॉरी इसका एरिया गिवन है, तो हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 14,400, पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जी। 1 1s are 1, 44 नीचे, 1 and 1 2, एंड 2 into 2 44, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये 00 हमारे पास 10 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इसका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आया है, थस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मीटर। जी क्लास सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, हमारे पास स्क्वायर फील्ड का एरिया अगेन हमारे पास गिवन है 4,022,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें कितनी वायर मतलब तार हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी जो हम उसके इर्द गिर्द लपेटेंगे फॉर द फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ इस फेंस। जी क्लास, हमारे पास वो कह रहे हैं कि एरिया हमारे पास गिवन है, किसी स्केयर फील्ड का एरिया गिवन है, हमें बताएं कि वो हम उसके इर्द गिर्द तार कितनी लपेटेंगे। अगर हमारे पास एरिया गिवन है तो उसके इर्द गिर्द जो वायर हम यूज़ करेंगे, तार कांटूदार तार यूज़ करेंगे हम, वो कितने मीटर हम यूज़ करेंगे। जी क्लास देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है कि द सेंस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द स्केयर इज सेम, लेंथ और विड्थ दोनों की सेम है, तो हम इसका स्केयर रूट फाइंड करेंगे। ये स्केयर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास हमने पेयर बना लिए हैं, तो ये हमारे पास 6 6 36, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास 6 आएगा, पेयर नेक्स्ट नीचे आ जाएगा, 6 and 6 ऐड करेंगे तो 12 12 into 5, 5 5s are 25, 5 and 2 carry, 5 2s are 10, एंड 12 1 carry, 5 1s are 5, एंड 1 carry 6। जी 20 ऊपर ले जाएंगे। देखें क्लास, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट काम है, हमने इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड की है, एरिया हमारे पास गिवन था, हमने ये लेंथ फाइंड की है। अब हम लेंथ से बताएंगे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम वायर कितनी यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये जो 650 फाइंड किया है ये इस चीज़ की लेंथ है, ठीक है, ये इतनी लेंथ 650 है, तो ये 4 टाइम लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 and 4, 4 टाइम लेंथ कितनी होगी। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जी क्लास देखें, मैंने यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो वायर होगी, जो तार होगी, उसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी होगी फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड ऑफ द फेंसेस के इर्द गिर्द जो लिख करने के लिए कितनी लगेगी। तो हम मैंने आपको अभी बताया कि ये एक साइड की लेंथ है, तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो लेंथ जो हमने फाइंड की है
4 टाइम हमने जो लेंथ फाइंड की है हम वो लिखेंगे जी। लेंथ हमने क्या फाइंड की है, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 650 जी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2600 मीटर जी। क्लास क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है, 1 भी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सेम एज इट इज़ है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन आपने सिर्फ क्या है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ देती हूँ। द गार्डनर वांट्स टू